गुड मॉर्निंग गाइस, ये है आज है ऋषि पंचमी। आपको ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बोलते हैं पता नहीं, बधाई हो या हैप्पी ऋषि पंचमी। और ये बनाया है मैंने लौकी का और दही का रायता। और ये है भगर बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं वरीचे तांदूळ, और हम लोग में बोलते हैं मोरीओ। तो ये मोरीओ बनाया है आज के दिन ना। खेत की सब्जी नहीं खाने की रहती है, वाड़ी की सब्जी खाने की रहती है। तो इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाली है, कोथमीर कड़ी पत्ता डाला है। मतलब जो खेत में लगता है ना वो नहीं खाने का, जो हाथ से उगाते हैं ना वो खाने का। तो इसलिए ये खाते हैं मोरयू, और ये खाते हैं लौकी या भिंडी और मिर्ची जो हाथ से उगाई हुई, जैसे वाड़ी वाले उगाते हैं ना उनके हाथ का कुछ भी खाते हैं। तो ये मैंने डब्बे भर लिए हैं पार्लर के लिए। कल भी उपवास था, उपवास मतलब गणपति बैठे उतनी देर तक उपवास, उसके बाद तो मैंने खा लिया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और आप सब कैसे हो? और आज है ऋषि पंचमी, तो हैप्पी ऋषि पंचमी आप सभी को। आप लोग करते हैं कि नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। और मैंने तो अपना टिफिन बना लिया है जो आपको दिखा चुकी हूँ मैं। और अब निकल रही हूँ पार्लर पे, क्योंकि गणपति बप्पा पार्लर पे बैठे हैं, तो उनको भी जाके पूजा उजा करूंगी, साफ सफाई करूंगी पहले और फिर पूजा करूंगी। और आज गणपति जी का विसर्जन भी करूंगी। तो चलिए मेरे साथ मेरे पार्लर पे। आ गई हूँ पार्लर पे। गणपति बप्पा का पूजा कर लिया है मैंने। अब कल का प्रसाद का एप्पल निकाल लिया है खाने के लिए, धो लिया है इसको अच्छे से और निकाल लिया है। धो के रखा था भगवान को भी, पर फिर भी फिर से बाहर रखा हुआ था तो मैंने उसको भी धो लिया है। और रात को ये एप्पल भगवान के लिए रख के गई थी, ताकि भगवान को रात को अगर भूख लगे तो खा सकते हैं। तो मेरे पार्लर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बस अब बच्चे आएंगे तो बच्चे लोग के लिए वेट कर रही हूँ, और पूरी गीली गीली हो गई हूँ क्योंकि रात को कुछ साफ सफाई करके नहीं गई थी। तो आके सब सफाई किया। हैंग हो गया था, कमर की तो वाट लग गई है मेरी, और बहुत दुख रही है। ना खड़ा हुआ जा रहा है ना बैठा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आज भी उपवास है ऋषि पंचमी का, और खाना आपने देखा ही मैंने क्या बनाया है। मेरी क्लास की लड़की मुझे देख रही है। हाय बोल। तो अतिथि के वीडियोस आप लोग देख लीजिए, पता नहीं उसने क्या भेजे हैं। मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो शूट करके भेजो मेरे इनके लिए, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए। थोड़ा सा कुछ डेकोरेट कर दो ना, तो इस तरह से फेस्टिवल वाइब्स आ जाती है अपने को। मैं खुश हो जाती हूँ थोड़ा बहुत कुछ भी करके, मैं खुद खुश हो जाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? हेलो एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। हेलो एवरीवन, तो मैं देखो आज कप्तान ड्रेस पहनी हूँ और ऑफिस के लिए जा रही हूँ। आप लोग सब कैसे हो? मॉम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो से लगातार बने रहना। बच्चे लोग के कपड़े कितने अच्छे मिलते हैं। कौन आया? अरे वाह, कितने मस्त मस्त कपड़े। वेलकम। शूज काढ़ू नहीं है राजा? गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको भी चाहिए? खांस के दिखा रही हो। ओके, आपको भी देंगे। ये हमारा छोटा बाबू देखो, दूध दूध की बोतल से पी रहा है पानी। हाँ बाबू, सुनो आपको भी चाहिए। इरा आपको भी चाहिए पानी? ले लो बोतल में, उसमें से बैग में से ले लो। गुस्सा निकलने का बाबा। कूते चलला, कूते चलला, कूते चलला तू। बचुन जा, बचुन जा, बचुन जा, बचुन जा। देखो इसको वीडियो में नहीं आना है। कितनी बदमाशी कर रही है। मैंने ना इन लोग को छुट्टी नहीं दी, क्योंकि छुट्टी दूंगी तो फिर इन लोग वापस रोने लग जाते हैं, इसलिए इनको छुट्टी नहीं दी। मैंने बोला आते हैं तो आने दो स्कूल में। कल तो ऑलरेडी मेरा तो ऐसे वेनसडे को छुट्टी रहता है इन लोग का, बच्चे लोग का। और गणेश चतुर्थी आ गई थी, तो
तो उसलिए एक छुट्टी मेरा गया बच्चे लोग का, अब आज चालू रखा है। बस दिन बन जाता है इन लोग की मस्ती देख के। चलो अभी मैं इन लोग को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। ईरा मुझे बताओ आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? ईरा होमवर्क नॉट डन क्यों नहीं किया बताओ मुझे, होमवर्क क्यों नहीं किया आपने? देखिए गाइस कितने बदमाश बच्चे हैं। शोनो तू खेलो होमवर्क, केला राजा, देवांशी, ये दोनों कुछ गप्पे मार रहे हैं। लिखो लिखो जल्दी, कितना भी पढ़ लो दिमाग में घुसता नहीं तुम लोग के। लिखो जल्दी लिखो, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन, फटाफट राइट डाउन। नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, घुसता आप लोग के दिमाग में। वन 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 जल्दी बनाओ, वन 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 वन, वेरी गुड। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। गणपति बप्पा बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो गणपति बप्पा मोरिया। अरे इतना अच्छे से बोल रही थी, बोलो बोलो जल्दी गणपति बप्पा। नहीं बदमाशी करते हैं ना ये लोग, पूछो मत। मैं वीडियो ऑन करी ना तो बोलना बंद हो गई, नहीं तो उतना अच्छे या गणपति बप्पा मोरिया। टिफिन दो तुम लोग को, टिफिन पाउडर भी बैठता नहीं है, पाउडर भी चिकना चिकना हो जाता है। काजल में भर भर के लगाती हूँ, मुझे आंखें पूरी भरी हुई अच्छी लगती है पूरी। ऑरेंज ड्रेस है, ऑरेंज वाली लिपस्टिक थोड़ा सा लगा लेती हूँ। यार घर से ना मुझे बहुत सारा सब कुछ निकालना है, सब अतिथि का सब कुछ जो जो है वो सब ढापना है थोड़ा बहुत। क्योंकि इतनी सारी लिपस्टिक भर भर के, पाउच भर भर के इतनी सारी लिपस्टिक है, वो क्या करेंगे पड़ी रहेगी, उससे अच्छा यूज कर ले तो अच्छा है। इसको ना थोड़ा सा टाइट फिट में बांध देती हूँ। घाई घाई में सुबह निकली ना तो कुछ भी काम नहीं कर पाई। और
की थी वो देखा आपने, बहुत मुश्किल से उसको बोलती हूँ कि कुछ वीडियो शूट करके भेज, थोड़ा डरती भी हूँ बोलने के लिए कि भाई गड़बड़ में रहती है। चलिए भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं। यार मुझे ना ये कार्ड छाट से लगता है मुझे कार्ड छाट करने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा इस तरह से बंद कर चालू करती हूँ सब कुछ आता है उसमें पर ये सारी बातें मैं एंजॉय भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं रोज सोचती हूँ मैं सीख लूँ पर फिर मैंने सोचा जान दो, जैसा करती हूँ वैसा मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, मतलब नेचुरल हो जाता है एकदम से कि मैं जो पूरा इस तरह से फिल्म थोड़ी बनानी है मुझे तो नेचुरल शूट करना है, नेचुरल जैसे हम करते हैं चालू करते हैं बंद करते हैं वो सब पूरा शूट करना है। ओके तो भगवान जी के लिए मैं बना के आई हूँ, ये देखिए दूधी का दही डाल के रायता, इसमें सिर्फ मिर्ची डाला है और कड़ी पत्ता डाला है और कुछ नहीं डाला है। तो भगवान जी खाइए, जो मैं खाऊंगी मेरे भगवान जी भी वही खाएंगे। और ये मोरियो जो मैं घर से बना के लाई थी, मैंने सोचा था मैं पार्लर पे बना लूंगी गरम गरम, पर नहीं पार्लर पे बनाने को टाइम नहीं मिलता है। और आज एक मैं मेरे झाड़ का फूल भी लेके आई थी भगवान के लिए, तब चढ़ा दिया है। और आज भगवान जी का विसर्जन होगा तो भगवान जी अपने वे खा लो, जैसी मेरी शक्ति है जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं उसी तरह से भगवान की पूजा कर लेती हूँ। तो भगवान जी खाते हैं तब तक मैं अपने बाल वाल बांध लेती हूँ। ये वाला जूड़ा मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, पर ये वाला जूड़ा ना मुझे इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि पूछो नहीं, एकदम से मस्त हो जाता है एकदम। गणपति बाप्पा की महिमा अपरंपार है। मैंने गणपति बाप्पा को कल ना पानी नहीं रखा था, क्योंकि मेरे पास ना बिस्लेरी में जो मैं पीती हूँ ना वही बोतल बड़ी वाली थी। अब बोला बाप्पा पानी तो नहीं, अब क्या करूं, तो फिर आज मैंने मेरी वाली बोतल ही पापा के सामने रख दी। ताकत है, आज मैं बाहर बैठी थी और ये बिस्लेरी वाला बाजू के शॉप में सब दिन शॉप में ना बिस्लेरी पानी प्रोवाइड कर रहा था, तो फिर मैंने बोला कि भैया मुझे दोगे क्या, तो बोलता है ले लो। तो ये मुझे ना इतना सस्ते गया 200 है, ऐसे बाहर से मैं लाती हूँ तो 30 रुपए की एक बॉटल होती है। तो देखो बापा की महिमा कितनी अपरंपार है, मतलब मुझे यहाँ पे सही में पर्चा दे दिया उन्होंने कि मैंने बोला पापा पानी नहीं है मैं क्या करूं, तो मतलब मुझे पानी में आजू बाजू की दुकानों से ले लेती हूँ, 30 रुपए की एक बॉटल लेती हूँ ऑलवेज, पर मैं एक ही बॉटल लाती हूँ, दो दो बॉटल लाऊं क्यों, पर पापा ने मुझे इतना सारा पानी भिजवा दिया। देखो सच में मुझे, आप लोग मेरे पे हंसोगे लेकिन मैं मुझे ये सब ऐसे महसूस हो रहा है ना कि पूछो नहीं, इस तरह से पापा मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दे, पापा आप सब जानते हो। तो यहाँ बन रही है मेरे पापा के लिए चाय और पापा इस तरह से मुझे पर्चा दिखा गए कि सच में पापा की लीला अपरंपार है। और कल मैंने सच में पापा को पानी नहीं पिलाया था। मैं पापा के लिए अभी चाय बना रही हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।